सच साहस सरोकार। राष्ट्रपति भवन पहुंची बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी ने किया स्वागत। पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत पर बोले नितिन गडकरी, कारों में बैठने वाले सोचते हैं सीट बेल्ट की जरूरत नहीं। लीज ट्रस्ट आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की लेंगी शपथ, महारानी एलिजाबेथ को इस्तीफा सौंपेंगे बोरिस जॉनसन। कर्नाटक सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान, बेंगलुरु में बाढ़ से निपटने के लिए जारी किए 300 करोड़ रुपए। एशिया कप में भारत श्रीलंका रिकॉर्ड बराबरी पर, टी20 में टीम इंडिया का पलरा भारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे से लोकभवन में शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानमंडल के मानसून सत्र के प्रस्ताव समेत करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें गृह, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ स्थित हजरतगंज के होटल लेवाना में लगी आग के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा एलडीए ने होटल लेवाना को सील करने के भी निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने प्रकरण की जांच के लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित की कमेटी, वहीं विकास प्राधिकरण की तरफ से मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी और उनके साझेदार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। लखीमपुर में गोला विधानसभा के बीजेपी विधायक और इलाके के कदावर नेता अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे पूर्व क्षेत्र में शोक की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विधायक के निधन पर सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और परिजनों को सांत्वना दी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा में 5 बार विधायक रहे सपा के पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ के निधन हो गया। बता दें कि उनके पैतृक गांव कदीराबाद में उनको पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जानकारी के मुताबिक जिले के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री के जनाजे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक के माता प्रसाद पांडे, विधायक कविंद्र चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव हथौरा के बंबा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कक्षा 9 की छात्रा का शव बंबा किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस की सूचना दी गई। परिजनों का कहना है कि छात्रा सुबह घर से दवा लेने के लिए निकली थी, जब काफी समय बाद घर ना पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई तो परिवार के लोगों ने तलाश करनी शुरू की। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने पुलिस प्रशासन से हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सर, मैं तो यहाँ पर था नहीं, मैं जार भी गया था। आज मुझे चौथा दिन है और एक मेरी बहन गई थी, दोनों मियाँ बीवी हम और दोनों लड़के मेरे। सुबह भी मेरी लड़की से बात हुई है, मेरी बहन की, जिसकी शादी नहीं हुई है, मुझसे बात नहीं हो पाई है। बोली भैया लाली को फोन आयो, बोला चल ठीक है, तन बात कर ली तो ठीक है। टावर वहाँ कम आवत है तो आवाज़ ऐसे कट आवत। 5 सितंबर को दोपहर में लगभग 4 बजे के आसपास थाना इगलास में बेसवा चौकी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलने पर थाने की फोर्स और अन्य अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। फॉरेंसिक को भी बुलाकर मौका मुआयना कराया गया।
इसमें क्राइम टीम लगी है घटना का अनावरण करने की। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। EMR व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मामला संज्ञान में आया है कि एक छात्रा की जो है यहाँ पे मौत हुई है और इसमें जो है पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है, जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। कानपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने हत्या के वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई थी। हमारे क्षेत्र का बच्चा ही है, उससे तीन बच्चे हैं सर। अभी चार दिन पहले वो घूमने आया था तो उससे झगड़ा हुआ था। बाला नाम के आदमी अस्सी करोड़ में रहता, उसकी एक रखेल भी है, ठीक है, दोनों नशेबाज हैं। अभी चार दिन पहले झगड़ा हुआ था, वो अभी फिर आया था बिन्ने, तो उसका मौका देख के उन लोगों ने काली मठिया मंदिर के जस्ट सामने अस्सी करोड़ में उसको वहाँ गुम्मे से मारा, जान से मार दिया। देखिए, थाना क्षेत्र नजीराबाद में आरके नगर एक एरिया है, यहाँ पे लगभग 10:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसको किसी ने डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी। हमें जब सूचना प्राप्त हुई तो थाना पुलिस यहाँ पे आई और जो बॉडी थी उसकी हम लोगों ने शिनाख्त कराई और यही लोकल में ही रहने वाला है, उसका नाम बलवीर है और उसको पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु भेज दिया है। और हमें एक महत्वपूर्ण इसमें एक सुराग भी, एक CCTV फुटेज भी मिला है, उसी के बेसिस पे हमने चार टीमें बना दी हैं और जो जिसमें वो फुटेज में दिख भी रहा है कि मारने वाला व्यक्ति डंडे से उसको मार रहा है और मुकदमा हम उनकी फैमिली की तरफ से अभी तहरीर प्राप्त करके लिखाया जा रहा है और उसके बाद उसको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, युवक की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं भी बता दूं कि मृतक बलवीर है, चार दिन पूर्व ही उसकी एक किसी से बहस हुई थी, किसी चीज को लेकर विवाद हुआ था, जिसको देखते हुए कल आज रात्रि को इसकी हत्या कर दी गई। और जब नजीराबाद पुलिस DCP प्रमोद कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पे पूरी घटना की जानकारी दी, तो उसके बाद अभी कुछ समय पूर्व एक जानकारी के अनुसार उनकी जो भी हमलावर है उसको गिरफ्त में ले लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया। अनिल, क्या वजह थी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? ये सिर्फ एक मामूली विवाद था, मामूली विवाद के चलते एक रंजिश उसने रख ली थी आरोपी ने, और उसके बाद जब रात को जब घर अपने घर तक जा रहा था तो उसको डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में 15,350 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन किया, जिसमें से 51 किलोमीटर सड़क जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की है। बता दें, इलाके को इस सड़क का तोहफा मिलने पर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सांसद अफजल अंसारी का आभार जताया है। ये 250 किलोमीटर सड़कें जो अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, बजट आवंटित है, टेंडर हो चुके हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ हैं, उनमें जो 67 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी हैं पांचों विधानसभा में, उनमें आज लगभग 15 किलोमीटर 350 मीटर आज की तीनों सड़कें हैं जिनका। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 51 किलोमीटर सड़क PMGSY योजना के अंतर्गत स्वीकृत है और जिनके बजट आवंटित हो चुके हैं, काम लगे हुए हैं, ये 15.5 किलोमीटर पूर्ण हो गई जिनका उद्घाटन कर दिया। देखिए, हमारे विधानसभा के PMGSY की लगभग 51 किलोमीटर, जैसा माननीय सांसद जी बताए हैं, उतनी सड़कें जो है हमारी विधानसभा के अंतर्गत बनने का काम करेगी, इससे बहुत राहत हो जाएगी। आप देखे होंगे, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर नहीं है, तब से जंगीपुर विधानसभा के अंदर सड़कें काफ़ी ख़राब हो गई, यानी उससे पहले हम लोगों ने सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया, कोई सड़क बची नहीं और सारी सड़कों को हम लोगों ने ठीक करा दिया।
गाजियाबाद में थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर में एक्सटेंशन सोसाइटी की लिफ्ट में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लिफ्ट में साथ जा रहे बच्चे को एक महिला के पालतू कुत्ते ने काट लिया। बच्चे को दर्द से कराहता छोड़कर महिला लिफ्ट से चली गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस पर बच्चे के परिजनों ने शिकायत करने पहुंचे, जिस पर दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई, जिसको लेकर बच्चे के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। गाजियाबाद में थाना लोनी क्षेत्र के शंकर बिहार कॉलोनी में बाइक से घर जा रहे सराफ व्यापारी को देर रात लूटपाट की गई, जिसका विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। वहीं सराफ की चीख सुनकर कॉलोनी के लोगों ने बदमाशों पर पथराव कर दिया और बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सराफ के साथ लूट और फायरिंग की सूचना पर SSP ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। साढ़े आठ बजे के आसपास एक सुकेंदर एक सरापा व्यापारी है, वो दुकान बंद करके अपना सामान लेके जा रहा था। वो यहाँ पर गलियों में जा रहा था। उसमें उसके पीछे एक मोटरसाइकिल में दो लोग आए, उनके पीछे गिरा करके उनके साथ हाथापाई के मारपीट किया है और चाकू से भी मारा, कुछ फायरिंग भी करा है। उसके बाद मोहल्ला के लोग लोकल के लोग भी सामने आ गया था और उसके बाद उनके साथ वारदात किया है। बाद में वहाँ पे जो मुलजिम था, एक आदमी का लोग ने सब पकड़ लिया, उसके बाद तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया है। बलिया के कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका डॉक्टर निर्मला गुप्ता के सम्मान में समारोह को आयोजित किया गया। बता दें, इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 44 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सांसद नीरज शेख के साथ शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको राज्य पुरस्कार मिला, कितनी खुशी है आपको और कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा? आज जो पुरस्कार मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आह्लादित हूँ कि मेरे संघर्षों का ये जो प्रतिफल मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, हमारी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही है सर। प्राथमिक से मैंने बेसिक की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय से पूरी की है, उसके बाद मैं इंटर तक की पढ़ाई विपरीत परिस्थितियों में की, क्योंकि मुझे पढ़ने से वंचित किया जा रहा था क्योंकि मैं लड़की थी, लेकिन मेरी माँ ने भी मेरा भरपूर सहयोग दिया और मुझे शिक्षा के लिए अपग्रेड किया, मेरा नाम दाखिला आगे लेकर कक्षा में कराया और मैं उन्हीं की प्रेरणा से बनी, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे की पढ़ाई की। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि हफ्ते भर में एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। अब तक किसी भी चोरी की घटना का खुलासा न होने से ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। जो आपके घर में चोरी हुई है रात, जो कोमल लगा है ये, तो इसकी सूचना आपको कब मिली, कब पता चला इसका? 3:30 बजे पता लगा रात में। हाँ। अच्छा, 3:30 बजे पता लगा, तो आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस को सूचना तो नहीं दी। फिर किसको दी? अब मान लो पहले दरवाजा अंदर हाथ दी था। अच्छा, पुलिस आई मौके पे? हाँ, आई थी। अच्छा, तो आपने कोई अज्ञात चोरों के खिलाफ अभी तहरीर दी या नहीं? तहरीर लिखवाई है, देने जाएंगे। अच्छा, कहाँ पे देने जाओगे? असमोली थाने में। असमोली थाने में? आपका थाना असमोली में लगता है? हाँ। कानपुर में पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल महोत्सव पर लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब की भीड़ दिखाई दी। बता दें कि मंगला आरती होने के बाद भक्तों के लिए मंदिर के गेट को खोला गया और भक्तों ने दर्शन किए। वहीं इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज मंगलवार है, बाबा का दरबार है, जो कोई सच्चे मन से ध्यावे उसका बेड़ा पार। अभी तत्काल थोड़े समय बाद हनुमंत लाल के दर्शन के लिए पब्लिक के लिए
मंदिर के कपाट पूजा अर्चना के बाद 1 बजे पब्लिक के लिए पट खोल दिए जाएंगे। सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी मनोकामना को लेके आए हैं कि हनुमंत लाल के दर्शन करने से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान हो, इसके लिए हनुमान जी से कामना करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।